आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो ब्रेड स्लाइसेस का ऐसा नाश्ता जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। बहुत सारी सब्जियों का यूज हमने इसमें किया है, तो कोई भी गेट टुगेदर हो या बच्चों का टिफिन हो, बहुत ही तारीफें बटोरना हो तो इस नाश्ते को जरूर बनाइएगा। तो चलिए हमारे इस क्रिस्पी टेस्टी नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस सुपर टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए पैन में लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं उसमें डाल रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन जब हल्का सा भुन जाएगा, इसके अंदर हम एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसे अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भुनेंगे। इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे बिल्कुल ही लो रखनी है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा कप पानी, और जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। ये आधा चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच में चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप नमक और चिली फ्लेक्स अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। बारीक चॉप धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने दो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही सॉफ्ट होती है ब्रेड और वो पानी में जाने के बाद बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है। इस तरह से उसे कड़छी से हिलाते हुए मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए ब्रेड हमारी अच्छे से मेल्ट होती जा रही है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे बिल्कुल ही लो रखनी है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। देखिए ब्रेड हमारी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें मैं आधा कप सूजी का डाल रही हूँ। सूजी को डालने के बाद हम इसे ब्रेड के साथ अच्छे से भुनेंगे। अगेन गैस की फ्लेम हमने लो ही रखनी है और लो फ्लेम पे हमें सूजी और ब्रेड को अच्छे से भुनना है। सूजी बहुत ही जल्दी भुन के तैयार हो जाती है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसे अच्छे से स्टर करेंगे और सूजी और ब्रेड को अच्छे से भुनेंगे। आप जैसे जैसे इसे स्टर करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही ड्राई होता जा रहा है और एक डो की शेप में बदलता जा रहा है। इसे अच्छे से मैश करते हुए मैं भुन रही हूँ ताकि सूजी और ब्रेड हमारी अच्छे से पक जाए और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है गाइज, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। देखिए हमारा सूजी और ब्रेड का एक डो बनता जा रहा है और पैन हमारा बिल्कुल ही साफ होता जा रहा है। इस तरह से हम इसका एक डो बना लेंगे। अगर हमें लगे हमारा पैन बिल्कुल ही साफ हो गया है तो इट मीन्स ये डो बन के रेडी है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो इसे एक बाउल में निकाल के मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इन द मीनवाइल हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक चॉप अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ। बारीक चॉप ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ मैं इसमें। इसे अच्छे से हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल भी हमें नहीं करना है। बारीक चॉप प्याज डाल रही हूँ इसमें। एक छोटा मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। दो चम्मच में येलो शिमला मिर्च इसमें डाल रही हूँ। दो चम्मच शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप। बारीक चॉप टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बीज को मैंने अच्छे से निकाल लिया। अभी इन्हें अच्छे से हाई फ्लेम पे हम भुनेंगे। अच्छा, इसे ना सिर्फ कच्चापन दूर होने तक हमें भुनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। बस हल्का सा इन सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए उतना ही हमें चलाना है। तो देखिए सब्जियों का कच्चापन दूर हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। पनीर को कद्दूकस करके मैं डाल रही हूँ। ध्यान रहे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे पनीर में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मेरी ऑफ है। अब इसके अंदर मैं एक चम्मच पिज्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप सभी मसालों को अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। बारीक चॉप धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए स्टफिंग हमारी बनके रेडी है। किसी भी तरह के सॉस का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ही ड्राई स्टफिंग चाहिए। तो चलिए ब्रेड के डो को भी देख लेते हैं। ब्रेड का डो हमारा अच्छे से बन के तैयार है। मैंने इसे हाथों से अच्छे से मसल भी लिया है। देखिए बिल्कुल ही आटे के डो जैसा हमारा डो बना है। अच्छे से इसे मसल के मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी ना, इसे दो भागों में डिवाइड कर दूंगी। इस तरह से मैं इसे दो भागों में डिवाइड करूंगी और तकरीबन दो रोटी के साइज की एक लोई हमें बना के तैयार करनी है।
देखिए इस तरह से एक बड़ी लोई हमें बना के तैयार करनी है। अब चकले पे मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद मैं अपनी लोई को इसके ऊपर रखूंगी और इसे हाथों से मैं चपटा कर लूंगी। इस तरह से मैं इसे हाथों से फैलाती जाऊंगी और हाथों से फैलाने के बाद मैं इसे चकले से बेलूंगी। बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेल के तैयार करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी इसे नहीं बेलना है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह की रोटी के स्टाइल में हमें बेल के तैयार करना है। देखिए इतना मोटा हमें बेलना है, पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इतनी थिकनेस हमें ज़रूर चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी ना, ये छोटा एक ग्लास लूँगी और ग्लास से मैं इसे राउंड राउंड काटूँगी। इस तरह से ग्लास को मैं प्रेस करूँगी और इस तरह से ग्लास की हेल्प से गोल गोल काट के हम अपने स्नैक के बेस को तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने से ना ये जल्दी भी रेडी हो जाते हैं, अदरवाइज एक एक को बेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितने ही बढ़िया तरीके से मैंने इसे काट के तैयार कर लिया। ये देखिए इसकी थिकनेस भी बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत ज़्यादा पतला हमें बेल के तैयार नहीं करना है। और बाकी के डो को मैं दूसरे डो में मिक्स कर दूंगी और अगेन इसे बेल के हम बाकी के जो भी बेस है उसे तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसे बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है और इसे बेलने में भी कोई परेशानी नहीं आती है। बहुत ही अच्छे से ये बेल के तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से ये कट भी जाता है, आप देख सकते हैं। तो सारे अपने बेस को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। ये देखिए सारे स्नैक्स के बेस को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, अपनी स्टफिंग को एक एक चम्मच इसके ऊपर डालेंगे। सारी स्टफिंग को एक एक चम्मच करके मैं इसके ऊपर डालती जाऊंगी। देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। बच्चों को तो नया नया नाश्ता वैसे भी बहुत पसंद आता है, तो अगर बच्चे आपके सामने हो तो वो भी इसे देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो सारी पनीर की स्टफिंग को डाल के मैंने रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक बेस को उठाएंगे और उसे फोल्ड करते जाएंगे। पनीर की स्टफिंग को उंगलियों से अंदर की तरफ करते हुए मैं इसे ऊपर से अच्छे से बंद करती जाऊंगी। बहुत ही इजीली ये बंद हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट डो है हमारा, अच्छे से ये बंद के तैयार भी हो जाते हैं। इसे बंद करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैंने इसे बंद करके तैयार कर लिया है। तो हमें अच्छे से इसको अच्छे से पैक करना है, पनीर की स्टफिंग बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए। ये देखिए कितने बढ़िया से मैंने इसे पैक कर लिया है। तो चलिए एक स्टफिंग और तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग को अंदर की साइड में प्रेस करूंगी और ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं साइडों से दबाती जाऊंगी। ये देखिए अच्छे से ये बंद हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है, किसी भी तरह का पानी या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से पैक हो जाते हैं। तो सारे स्नैक्स को मैंने स्टफिंग डाल के अच्छे से रेडी कर लिया है, अच्छे से इसे पैक कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तो एक एक करके मैं इसे पैन में डालती जाऊंगी। अगेन हमें ऑयल का टेम्परेचर हमें मीडियम रखना है, मीडियम टेम्परेचर के ऑयल में हम इसे डालेंगे, बिल्कुल भी ठंडे तेल में इसे नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये खुल सकते हैं। तो गरम तेल में हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। डालने के बाद हम 30 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसे पलटना शुरू करेंगे। तो अच्छे से उलटते पलटते हुए मैं इसे गोल्डन फ्राई होने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए कितने ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे स्नैक्स, कितने ही सुंदर कलर इस पे आ रहा है और ये इसकी शेप भी बहुत ही बढ़िया लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। वैसे आप किसी भी शेप में इसे तैयार कर सकते हैं, मुझे यही शेप अच्छी लगी तो मैंने इसी शेप में इसे बनाया है। आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चपटा बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर मेरे स्नैक्स पे आ गया है, मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। वाओ देखिए कितने ही सुंदर, कितने ही बढ़िया हमारे स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। तो चलिए बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके मैं इसे ऑयल में डाल रही हूँ, मीडियम टेम्परेचर के ऑयल में हम डालेंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। वाओ कितने ही बढ़िया टेस्टी पार्टी स्नैक्स हमारे बनके रेडी हुए हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बने हैं। इसकी जो स्टफिंग है वो भी बहुत टेस्टी है, आप इसे केचप के साथ ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। कीजिए प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।